गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर टेन इज अ पोएम चीयरफुलनेस, मीन्स प्रसन्नता। इस पोएम में देखते हैं क्या है, व्हाट इज पोएम। एज यू ट्रेवल ऑन लाइफ्स वे विथ इट्स मेनी अप्स एंड डाउन्स, जब हमारी उम्र बढ़ते जाती है तो बहुत सारे अप्स डाउन, ऊंचा नीचा होते रहता है लाइफ में, कभी सुख कभी दुख। रिमेंबर इट इज़ क्वाइट ट्रू टू से, लेकिन एक चीज़ जो सच्चाई है, रियल है, वह क्या है, वन स्माइल इज वर्थ अ डजन फ्रॉन्स। मतलब एक स्माइल जो होता है हम लोगों का, वो दर्जनों गुस्से वाले फेस के सामने एक स्माइल का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कई लोग गुस्से में हैं और उसके सामने मुस्कुरा देते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है और सभी खुश रहते हैं। एमंग द वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव थिंग्स स्माइल इज वेरी चीप। विश्व में बहुत सारे चीज़ महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन उसके बीच में चिप सबसे सस्ता स्माइल है जो हम कभी भी दे सकते हैं। स्माइल करने ना ही पैसा लगता है, ना ही खर्च कुछ होता है। एंड व्हेन यू गिव अ स्माइल अवे यू गेट वन बैक टू कीप। अगर हम किसी को खुशी देते हैं, स्माइल देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसके बदले में हमें भी खुशी मिलती है। So when friends have sadness on the face and troubles around them build, इसलिए जब फ्रेंड्स दोस्त जब के चेहरे पर जब सैडनेस रहता है, दुखी रहता है, दुख रहता है, बहुत सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं, एक के ऊपर एक परेशानी लगे रहते हैं उसके साथ, तो द वर्ल्ड विल सीम अ बेटर प्लेस एंड ऑल बिकॉज यू स्माइल। फिर भी जब दोस्त से मिलते हैं तो एक लगता है कि जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो सबसे अच्छा जगह हो जाता है, क्योंकि हम दोस्तों के साथ अपने दुख बांटते हैं, स्माइल करते हैं, खुशियाँ देते हैं, तो उसके बदले में खुशियाँ भी मिलती हैं, शेयर करते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि दूसरों को खुशी मिले, और जब हम किसी को खुशी देते हैं तो बदले में भी हमें खुशी मिलती है। Thank you.